फिर जीत जाना करके इसकी सेटिंग करके सेटिंग करके एक अनबन कोई शक्कादार पर रही है भाई, मतलब या फोन गलत यूज करे थे जमला रखे जी बोले इसकी माँ ने टाया तो बोले तेल छिड़के था तेल दी वाला ना तेल को नहीं कौन प्रदीप है मन नहीं पता कौन प्रदीप है मैंने नाचन दो सबसे पहले तो मैं आप मीडिया प्रभारी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ भाई, आपने हमारी बात को सामने रखा सबके। ये ऐसे बात थी, इनकी शादी को लगभग 13 साल बीत चुके हैं जी। शादी होने के मेरे तो 6 महीने मेरे पास नहीं रही हैं, या 6 महीने उसकी माता मेरे से अलग कर कर ले गई। हाँ, डुलटे गांव उसकी बड़ी लड़की का। अच्छा, दूसरे गांव में ले, हाँ दूसरे गांव में लेगी, सामान लदाएगा। अच्छा, और मेरे से झगड़ा कराएगा भाई, मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। उस पर थोड़ा हक दुकानदारी का काम अच्छा था, गाड़ी थी, मोटरसाइकिल था, मतलब बढ़िया नौकर चाकर दे, दुकान का काम बढ़िया था उसका जी। उसने देखा भाई ये यहाँ तो माँ बाप का लोग ये काबू में नहीं आवागा, इसने एक साइड में रख, ये इसने पटाएगा लेगी, तो औरत है इसको खूब लुटिया पैसे मर्जी आए, वहाँ से लूट गया फिर या इशार लेगी, इसको गर्दमाई बनाए कर रखे 1 साल तक। हाँ, या जो भी मर्जी इससे लेती अपने, मतलब अपने तो ये न्यू कंधे एक मना ये दे दिया वो दे दिया, लेकिन इसके पैसे जो लेती थी वो ऊपर नियान दे दी वाह। अच्छा, लालच में और कंधी थी, मैं तो इसको पाल रही हूँ, लेकिन पैसे इसके खर्च कर रही थी वह सब, जो कुछ था गाड़ी थी मोटरसाइकिल थे, जो इस पर कैश था नगद सारा वो कर रही थी। लेकिन फिर इनका आपस में झगड़ा हुआ, हम इनको गांव लेकर आ गए। हाँ, और हमने बोलिया भाई बसाने हैं बच्चे, और तुम अपना गांव में चल और ये छोड़ यहाँ से। हम इनको 2013-14 में गांव में वापस ले आए। गांव में वापस ले आने के बाद ये जॉब लग गया, ये दोनों भाई गुड़गांव में वहाँ रहने लग गए। तो लड़का का जो पोता था मेरा, उसका दिल में छेद था, मैं उसने ले आया भाई, इसके इलाज करवावांगे किसी हॉस्पिटल में, इसका ऑपरेशन करवावांगे, मैं उस इनसे ले आया। मैंने उनका कोई इनसे पैसा पूछा नहीं, मैं अपना आप उसको दिखाता रहा। लेकिन इनकी अनबन कोई शक्कादार पर रही है भाई, मतलब या फोन गलत यूज करे थी, इसने कहीं शक हुई है वो तो एविडेंस है। हाँ, शक तो होता है तो वैसे है, लेकिन जब प्रूफ हो जाता है तो देखो फिर। अच्छा, प्रूफ प्रूफ तो अब तक मतलब इसने पूरा नहीं होया, शक ही है अब भी। हाँ, तो शक के आधार पर इनके जो भी ये डिटेल कढ़ाई तो इसने पक्का प्रूफ मिल गया। वह ये सोच रही थी भाई इसके पास कुछ नहीं अब। हाँ, ये तो दूसरा वो टोना है, वो तो मतलब इतना चाहे करती भाई 20-30 तो मैंने शॉपिंग करने के लिए, वो 20-30 हज़ार लड़के की कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी हो, जब मैं इसका रहूँ। पहले नहीं देखा उन्होंने शादी? नहीं, पहले नहीं देखा, पहले तो ये देखा भाई ये गांव का सरपंच है, इसके पास जायदाद मिलेगी। हाँ, और तो इसको खूब लुटिए। अच्छा, हाँ मेरे को उसने फंसा दिया। ये उसकी माँ ने सोचा है या उसकी माँ ना, माँ बेटियाँ ना, दोनों ने, दोनों की प्लानिंग नहीं, प्रदीप उसके साथ मारपीट आई या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये एलिगेशन झूठे लगा रही है वो। जे उसके मारपीट करता तो ऐसी लगाई है, वो डॉक्टरी कराया कर इसको केस दर्ज करा दी था पुलिस में। कोई भी बात होती एक फोन फान पर कोई भी ये गलत गाली दे दे, वही रिकॉर्डिंग ले रही है वो। अच्छा, उसको हथियार बना रही है। हाँ, कई बार जाए बार झगड़ा होया वो बच्चियाँ ना बुला लें दी, हम पैसे दे कर टूम दे कर जद बच्चियाँ को ले दे, ये कई बार होया ऐसा। तो जी आप तो देखो गांव के सरपंच थे, लेकिन ऐसा आपने क्यों किया कि उनको नजायज पैसे दे करके जब बच्चों को लेके आते हैं आप? ऐसे इसलिए किया भाई, मैं जो सोच रहा था भाई बच्चे हो रहे हैं, 2 बच्चे हो रहे हैं, मैं अपनी इज्जत ज़्यादा ना उड़ाई, ये समझ जाए बस जाए, ये सारा प्रूफ मेरे मतलब गांव का पूछ लो किसी भी आदमी से। हम तो पंचायत में जाते हैं, ऐसे झगड़े को जोड़ते हैं तोड़ते नहीं, हमने यही सीखा है भाई, पंचायत किसी का भी मतलब बच्चों का झगड़ा हो जाए उसको जोड़ो, रिश्तों को जोड़ो तोड़ो नहीं। लेकिन इसने कहीं भी मतलब ये नहीं समझा, जायबर जाती इस लड़की को
एक लालच दे दिया अपनी बेटी को उसने, भाई तेरे को दूसरी जगह ब्याहूंगी मैं, जो मतलब अच्छी तनख्वाह ले रहा होगा, अच्छा मकान होगा, लेकिन मारे तो या रहना नहीं, बिल्कुल रहना नहीं पसंद करे थी। तो जी एक जैसे आप बता रहे हो कि वो 6 महीने के बाद इनको अलग कर दिया डुल्ड गांव में, तो आपने उस टाइम ये नहीं कहा कि आप दूसरी जगह क्यों कर रहे हो, अगर अलग ही होना तो यही रह जाओ? नहीं मानने ये, ऐसा थोड़ी सी गलती इस लड़के की, ये मतलब थोड़ा सा हमारे से अनबन करके चला गया, मां चलो समझ ले, अपनी साइड ला लो, अपनी साइड में, हां उनकी साइड में हो गया उस टाइम, इसने माता पिता नहीं देखे, हां इसके माता पिता नहीं देखे, थोड़े से मतलब ओड़ा थोड़ी सी मार खा गया जी, फिर इसका ठोकर लग गई, फिर उस देखा भाई ये तो लालची आदमी है ना, तो छोड़ सके, फिर बच्चा भी हो गया, दूसरा बच्चा भी हो गया 5-6 साल के बाद। तो अब हमने ये सोचा था भाई इनका झगड़ा रहे गांव में ले आवा, मेरा एक पुश्तैनी मकान था मैंने वो बेच के और एक प्लाट लिया रोड के ऊपर, और महा इसका अलग मकान बना देंगे, ये अपना अलग से ही रहेंगे, हमारे साथ नहीं रहते ये। तो उसका काम नीम तो मैंने बढ़ा दी थी, मकान बेच के प्लाट लिया और कुछ मैंने लोन लान पे पैसे उठाए, जितने भी बाकी पैसे थे सारे तो वो ले कर चली गई। मैं गौशाला में ड्यूटी कर रहा था, जित मैंने सोचा महा भाई मैं ड्यूटी छोड़ के और फिर मकान बनाऊंगा, तो हम अपना ड्यूटी का काम करो, तो हम गुड़गांव जा रहा मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले वो 17 अक्टूबर को घर छोड़ कर मेरे से झूठ बोल कर चली गई। क्या कह गई वो? मेरे से पोता बोलिया 11 साल का है, 5वीं में पढ़ा है, दादा नुका का मेरे मामा का जावांगे, और ओडा मेरी मम्मी पानी पर आवेगी जिसका छोरी हुई थी, और डीजे बच जाएगा, हम परसों आ जाएंगे। अच्छा महाराज तो गए थे हम, ये भी इतनी जल्दी के हो रहा, वहाँ डीजे डाजे में तन्ने तेरा ऑपरेशन हो रहा, तन्ने नहीं नाचना वहाँ, उसका दिल में छेद था, करवा दिया था, हाँ वो मैंने करवाया मोहाली फोर्टिज में। अच्छा बटे उन्हें और मैंने, हमने कोई सरकार की संस्था थी मतलब उसके सहारा लेकर, इतना मतलब जुगाड़ तो था नहीं 3-4 लाख का, लेकिन हमने उस संस्था का फायदा उठाया, खर्चा लगाया। तो फिर वो बोले नुका, मैंने भी सोचा महा ये पहला 2 बार मैंने किराया लेकर गई है अपना आप और आ जाएगी, एक करके जापा पे 10-15 दिन रहका आई है, फिर उसका भाई का सुसरा गुजर गया जद रहका आई है, इसकी माँ बोली मैं चलूँ ए नुका ना तो नहीं जावा तिरवा पना भी जू ना नुका मैं कल ही जाऊँगी, अपना आप गई है और अपना आप आएगी है, लेकिन बीच में उसकी माँ भी 2 बार आई है मेरे से बात नहीं करी। अच्छा। भाई उनकी गुप्ती मारे बगैर मतलब सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर किया था, हमने बाद में पता लग गया प्लानिंग उसकी पहल, सामान इकट्ठा कुछ माँ आवे थी उसको भेज दी थी, फिर गाड़ी बुलाया गया, जितना भी सामान था उसने उस दिन, हम तो 12 बजे में ड्यूटी पर चला गया, इसकी माँ इसके माइक के मतलब कोई मौत हो रही थी उसमें चली गई, उसने 2 बजे गाड़ी बुलाया गया, जितना भी उस पर सामान चल रहा मतलब सारा देखा पड़ोसिया ना भाई सरपंच का लड़के की घराली जान लग रही है, तो उनकी सोचा वैसे जाती होगी भाई गुड़गावा रहते हैं जाते हैं कहीं जाती होगी उनकी, इस बात का कोई मतलब क्यों रोला झगड़ा तो हो या नहीं, लोग क्यों टोका था कोई जी। इसलिए किसी ने टोकया नहीं। तो 5-7 दिन के बाद मैं बोलिया तो महाबाड़का ने लिया मैं तो कुनी आई मैंने या, अरे एक मेरा भाई जो मेरे चाचा का लड़का था दोनों भेजे वहाँ, इनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया मतलब ये वापिस आ गए खाली, नुका को वो नहीं भेज दी, वो तो इनकार कर गई भाई मैं तो मेरी लड़की ने भेज के नहीं तलाक दूसरा का ब्याह है, आज ऐसे इल्जाम ला रखा जी, बोले इसकी माँ ने टाया तो बोला तेल छिड़का था, तेल दी वाला ना तेल को नहीं जी, ना तो मैंने इनकी लड़ाई का पता ना इनकी लड़ाई हुई कदे, दो भिन्ना मेरा दो राय कर रही है, भिन्ना मेरा दो राय कर रही है, मैं तो सुबह चली जाती खेत में उसे का करना उसे का, इतने में घर रही इतने तो ऊपर का नित्र थी, तो मैं खेत में चली जाती तो सारा दिन फिर दी घूम दी, तो ये व्रत बुरत रखा करे नहीं, तो उस दिन मैं बोली फोन आ रहा था लड़का का फोन आ रहा था, इसका फोन आ रहा था लड़का का, तो नाचे गई कूदे गई मतलब बोलिया ऊपर बाफर ला आजकल के मैं चलो कोई नहीं मैंने को महसूस नहीं करी बात, मैं बोली बेटा यार प्रदीप का फोन आ रहा था ना फिर गाली देगा फिर तो गुस्सा का माँ का बाज जाएगी, तो मैं नहीं जानती कौन प्रदीप है, मैंने नहीं पता कौन प्रदीप है, मैंने नाचा दे,
फिर देख जी आप उठनी मत बोल दे रोज पे बैठा मन या बात कही मखा तू ऐसा ना बोला है। हाँ। फिर भी थोड़ी घनी बड़ा छोटे की कहना मान बिल्कुल तो दुख माम ना होगा कल ना बिगी जाए तेरी मम्मी तो जान दे केस कर दे रुआई बनी जी। हाँ। ना तो तेल छिड़क्या लड़का ने ना मार पिटाई करी ना किसी ने ये तो था ही नहीं है गुड़गांव में रहता था ये तो एक भी नगे बात आया है पीछे गई नहीं रूस का जिंद में अपने जयब्रदर का जी दूसरे ले आई छटवा कर आपका लड़का गाली भी देता है गाली देवा जी देखो लड़का नहीं लागदा कुछ ना बहु लग दी आप कहेंगे बात सच्चाई दोनों तर लड़का गाली देवे नहीं इसके फोन नहीं ठंड भी गलत फोन पकड़े मेरा लड़का उसके आम लड़का को ऐसे बोलना तो ना इस बकामा में इसको बर्दाम तो ना बोले कर मत तो बसानी अपन है बस जाएगी बच्चा और ऊपर बच्चे माँ पांच चार साल तो बसानी सियाने हो जाएंगे और ये अपना आप कड़ा बात जाएगी फिर जीत जाना करके इसकी सेटिंग करके ये एक हफ्ते नौ दस दिन में परसों आई है जी मेरी पंचायत गई है मेरी सारी गांव की पंचायत बैठी है तो इनती वो बुलाए वीडियो वाला बुलाया वो भी बोले सारा देखे लड़की है कौन बुला और जो पंचायती आदमी था नहीं मेरे साथ में हमारे साथ में रामफल है रामफल नैन उसने मैं उसके एमसी के साथ जाकर मीडिया वाले के साथ जाकर अंदर बातचीत करी है उसने फोन पर बात कराई है उड़ा न्यूका मेरा तो पंडा सटाए दो मैं तो यहाँ उड़ा जाना नहीं चाहती मैं नहीं जानती हूँ आपकी बहू ने बात की हाँ हाँ बहू ने कही है उन्हें का फोन पर मतलब उसने सुनाया है स्पीकर ऑन करके उसने पूछा इन्हू कह मैं घर जाऊं थारा रोज कदे भी झगड़ा नहीं सुनिया मैंने इन्हू कह ना मैं तो उड़ा रहने नहीं चाहती मैं तो उड़ा रहने नहीं चाहती क्यों नहीं रहना हाँ उसने पूछा होगा हम तो अंदर थे नहीं ऐसे उसकी मम्मी ने बोल रही है जी तो ना तो बोला दिहाड़ीदार इस पर पैसा दे ला तो उसका को भाई इसकी साडू का भाई की को और तो गुजर रही होगी तो नौकरी पे अच्छा हाँ तो उसका और माँ नहीं है माँ भी मर रही है दो भाई हैं एक न्यारा और अकल्ला ही आओ तो नौकरी पर पुलिस में क्या मैं पता नहीं तो वो तो बोला पैर दर्द है उसकी तो कोठी गुंज है 8 लाख की गड्डी खड़ी है मैं तो उसका दूंगी उसका अरे वो लालचन लगाई है वो लालचन लगाई है उसने तीनों जमाइया पर केस कोर्ट केस कराया हुआ है और अपने सासू ससुरिया पर भी कोर्ट केस कराया यह हमने उड़ा तो पता लग गया बिल्कुल एक में तो ही शामिल था जी प्रदीप एक में तो शामिल था और उसके माँ बापा पर भी कोर्ट केस कराया गया या तो हमने बाद में इसका पता लग गया भाई इतनी लालचन लगाई है हमने जिस टाइम शादी हुई नहीं मैं गांव का सरपंच चुन रखा था 3-4 बंदे मेरी ट्रम के रह रहे थे इन्हें सोचा सही आदमी मिल गया था ना लुटन ने और लड़का का इसका सिलेक्शन होया था कोऑपरेटिव सब इंस्पेक्टर में लेकिन वहाँ से थोड़ी आचार संहिता लगने से इसकी छूट गई वह तो न्यू बोली उसने तो न्यू हो गया भाई वो ये कर तो आप ना बहुत बढ़िया पाया गया सारी उम्र लूट का खा मांगे देखो जी तो भूख कितनी मर्दी होगी जिस हम ना पवा ऐसे खान वो मारे झूठे एलिगेशन लावे है हम खास डिमांड भी करी आपकी बहू ने भाई भी और चाहिए मना हो चाहिए वो शॉपिंग ऐसी करती थी भाई गुड़गांव रहती थी नहीं जितने ही पैसे कमाता था उसमें भी पूरा नहीं पाड़ा था यो और भी पूरा भरा था उधार ठहर गए कंपनी वाले दोस्तों पर था जब इसका काम चलाता इतनी उसकी मतलब हुआ थी डिमांड थी उसकी बड़ी डिमांड बहुत डिमांड थी बड़े बड़े सपने ले रही थी आप झूठ बोल रहे हो नहीं नहीं केस चल रहा है भाई नहीं देखो जे हम झूठ बोला नहीं हमारे साथ गांव की पंचायत आ रही है जो आप बता रहे हो आप उनके ऊपर इल्जाम लगा हुए वो आपको ठीक है लेकिन सच्चाई क्या है सच्चाई तो सिर्फ यही है जो उसने मतलब मारा था लूटना जे मान लो 13 साल निकल गए 7 दिन है 13 दिन नहीं काट सकता कोई जे अगर मारा पिटा हुआ पुलिस में केस नहीं दर्ज कराया डॉक्टरी करवाएगा दो बच्चे भी हैं अगर तेज मांगा है नहीं मतलब वो पैसे की डिमांड करा है मेरा लड़का तो वह रिकॉर्डिंग करके उसने गाड़ी की तो रिकॉर्डिंग कर ली उसकी पेशियाँ की नहीं रिकॉर्डिंग करी कर सके थी वह ऐसे नहीं बोले मारपीट करिए सासू ने भी सूसर ने भी इतने लाख पैसे मांगे या मारपीट करिए तो सासू बोला प्रदीप तेल छिड़का था आरती पे सासू ने मार से बताई है नुका मेरा लड़का तेरी लड़की पे तेल छिड़का वो है ही नहीं वहाँ कितने साल हो गए 7 दिन 13 साल हो गए 24 2010 24 मार्च की शादी थी
13 साल बाद केस लगाया कि मेरे पे पीछे मांगा है। हाँ केस तो पहला भी लगाया था उसने, केस तो पहला भी लगाया था लेकिन पहला भी सबूत नहीं होया, रद्द हो गया। हाँ रद्द हो गया, उन्होंने तलाक का केस डाल लिया था हमारे ऊपर, लेकिन जद सबूत नहीं होया, जद भी पंचायत ने समझौता कराया। अरे ये जब पता बच्चे बसाना चाहना मैं तो निको, मेरे बच्चे ना मन अच्छा सात भी नहीं हो गए, मेरे बच्चा घुट के मर रहा लड़की। ऐसी क्या बात है आपकी, आपने बता आपकी बहू ऐसी है फिर भी आप उसने बसाना तो नहीं चाहवा, बसाना भी पैसे समाज में देखो कई बार ठोकर लायक का समझ दे करे, समझ जाए तो हम बच्चे हैं, उन बच्चे ने ये काम करागा पाड़ागा कौन, हम कितने दिन बैठे रहेंगे, मतलब एक मौका और देना, एक मौका और देना चाहवा हमने, अगर बस कुकरे बस जाएगा ठीक है।